अगर बनता बनता काम बिगड़ने लग जाए तो कौन से ऐसे जबरदस्त उपाय से हो जाएगा बेड़ा पार, बदल जाएगी दशा की दिशा, पक्की बात है, जानेंगे हम इस वीडियो में। लेकिन इससे पहले नमस्कार दोस्तों, मैं शाना सेठ, कैसे आप दोस्तों। वीडियो के माध्यम से मेरी यार कोशिश की आपकी जिंदगी बेहतर, सुंदर, माइंड ब्लोइंग, मन ब्लास्टिंग था बन जाए, जबरदस्त वाली। कैसे हो मेरे पाशा लोगो। मैं ना कुछ कुछ चीजें बताती हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट चीजें बताती हूँ, अच्छे से समझना, ताकि कहते हैं ना जिंदगी में कठिनाइयां अगर आ रही हैं उसको पहचान कर, वो चीज देख करके क्या प्रॉब्लम आ रही है उसका हम निवारण कर सके। सीधी सी बात है। अब एक इंसान का कहते हैं ना पत्री में अगर मंगल बद हो जाए, है ना, तो वो जिंदगी में बहुत ज्यादा ठोकर देता है। घर का एक व्यक्ति इतना ज्यादा कहते हैं ना पैसे को बर्बाद करने लग जाता है, चाहे वो नशे के चक्कर में हो, चाहे वो उसकी आदतों की वजह से हो, चाहे जो भी घर पे बीमारियां अगर पीछा नहीं छोड़ रही है, बार बार झटके खा रहे हो, 99 पे अगर चीजें अटक जाती है तो कुछ तो गड़बड़ होगा। सीधी बात है। और अगर ये सारे सिम्टम अगर देख रहे हो, अगर कहते हैं ना हर खुशी के बाद कुछ ऐसी चीजें हो जाती है कि गम देखने को पड़ता है, तो इसका मतलब आपके पत्री में मंगल बद है, मंगल नेगेटिव है। आप समझे मेरी बात को। अगर मंगल का टक्कर किसी भी हिसाब से कहते हैं ना राहु केतु शनि के साथ हो गया, तो आप ये मान के चलो जिंदगी में संघर्ष, धोखे, झटके, पैसा आएगा एक टाइम पे, कहते हैं ना मोटा पैसा आएगा, मंगल मोटा पैसा दिला देता है। लेकिन अगर कुछ ऐसी दृष्टि पड़ गई या कंजंक्ट हो गया तो जिंदगी कहते हैं ना एक पॉइंट पे आकर सन्नाटा, कुछ भी हाथ में बचेगा नहीं, कब समझोगे। तो अब जो चीज आपको मैं बताने जा रही हूं उस चीज को अगर आप करते हो बेहतरीन वैसे काम करेगा, कोई ऐसी दिक्कत वाली बात नहीं। देखो एलिमेंट को पकड़ के जब उसका इलाज करोगे तो डेफिनेटली रिजल्ट तो मिलेगा ना, हमेशा आपको समझाया हर एक्शन रिएक्शन देगा, पक्की बात है। आग के सामने हाथ रख दोगे जल जाएगा, है ना, बर्फ में रखोगे तो ठंडक पहुंचेगी, एलिमेंट ही तो है। हम किससे बने हुए, पांच तत्वों से, सीधी बात है, अर्थ, वाटर, फायर, एयर, स्पिरिट, बात खत्म। तो अगर हम कोई एलिमेंट का यूज कर रहे हैं तो उसका तो जबरदस्त वैसे काम करेगा, कोई ऐसी दिक्कत वाली बात नहीं। कितने लोग बोलते हैं हमारे हस्बैंड हमें ह्यूमिलिएट करते हैं सबके आगे, हाथापाई तक बात पहुंचती है, उसका क्रक समझो। देखो मैं उस चीज के फेवर में नहीं हूं, लेकिन अगर एस्ट्रोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो कहते हैं ना घर पे दो बहने हैं, एक बहुत खुश है लेकिन एक की जिंदगी कहते ना कुछ भी नहीं है, तो कुछ तो होगा ना, सीधी बात है। अब जो जो चीजें आपको बता रही हूं इसको आप गांठ बांध लो, इसको जो चीज बता रही हूं उसको करना ही करना है, चाहे दुनिया इधर की उधर क्यों ना हो जाए, सीधी बात है। अब आपने सबसे पहली चीज जो करनी है, एक चांदी की बड़ी सी डिब्बी लो। देखो भैया इन पाखंडी लोगों को हजारों लाखों रुपए आप दे दोगे, है ना, तब आपको ये चांदी की चीज खरीदने में कुछ वो नहीं होगा, है ना। अब आपको अगर बोल दूं चांदी की चीज ले लो, फिर बोलोगे अच्छा इतने की आएगी, कितने की भी आएगी ले लो ना यार, कमाल है। कोई आपको डरा परा देकर लाखों रुपए हजारों रुपए की पूजा करा दे, वो पट करके इंतजाम कर लोगे। जो कायदे की चीज बता रही हूं जिसका रिजल्ट आएगा वो आप मेरी बात नहीं सुनते, क्यों भाई, सीधी बात। एक चांदी की डब्बी ले लो, उसके अंदर शहद भर के, है ना, अपने कहीं पर भी घर के नींव में दबानी है। अब आप बोलोगे कि शाइना हम तो यहां पर फ्लैट सिस्टम में रहते, हम कैसे अपनी नींव में दबाएं, सीधी बात। आप क्या करो, आप कहीं पर भी उसको रख दो और उसको प्लास्टर ऑफ पेरिस वो जो आता है ना उससे आप मतलब प्लास्टर ऑफ पेरिस लगा दोगे तो वो एक तरह की नींव में ही हो गई, कोई ऐसी दिक्कत वाली बात नहीं। अब आप पूछोगे कि हम कहाँ करें, नॉर्थ ईस्ट में कर लो, नॉर्थ ईस्ट में कर लो। अगर कहती है ना जीवन बहुत तहस नहस हो गया है और कुछ नहीं समझ आ रहा कि भैया अब हम क्या करें, एक मिट्टी की कुल्हड़ में शहद भर के लाल कपड़े से ढककर किसी वीराने में जाकर, ये वीराने में करो तो ज्यादा बेटर रहेगा। एक तो वैसे एक और चीज बताने वाली थी, फिर ये पाखंडी लोग बोलते हाय हाय ये क्या कर दिया, इसलिए वो चीज मैं अब आपको बता ही नहीं रही, सीधी बात। मैं नहीं चाहती आपके मन में कोई वहम आए, सीधी बात। तो मिट्टी की कुल्हड़ में शहद भर के लाल कपड़े से ढककर इसको वीराने में गाड़ दो। अगली चीज, 43 डेज तक दूध जो होता है उसके अंदर थोड़ा सा शहद डाल के, है ना, ये फ्लेवर्ड दूध ले लो, कोई उसमें दिक्कत वाली बात नहीं, दूध में थोड़ा सा शहद डाल के ये जरूरतमंद को देना शुरू कर दो, हो जाएगा, हो जाएगा। अब आप बोलोगे नहीं लेंगे, लेते हैं यार, एक नहीं लेगा दूसरा लेगा, दूसरा नहीं तो तीसरा लेगा, नहीं धर्म स्थान पे छोड़ के आ जाना, और क्या बोलूं। वैसे ट्राई तो करना, किसी को दे दोगे तो वो ज्यादा बेटर रहेगा, सीधी बात है ना। एक और जबरदस्त सी चीज बता देती हूँ,
अगर जिन्होंने अभी तक वो उपाय नहीं किया, कहने को तो ये एक उपाय है बट ये बहुत सारे प्लेनेट को कहीं ना कहीं फेवर में डालता है, सीधी बात है। लाल कपड़े में 5 दाने लाल मसूर के, 5 दाने काली उड़द के, छोटा सा तांबे का टुकड़ा, थोड़ा सा गुड़, कांच की शीशी में दूध, नीला या पर्पल कलर का फूल, ये पोटली बांध के हर मंगलवार को देखो। वो वाला भी कर सकते हो, मिट्टी के हांडी वाला, अगर वो करना चाहो तो वो कर लो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। अगर वो नहीं कर सकते तो ये तो कर सकते हो, है ना। लाल कपड़े में 5 दाने लाल मसूर के, 5 दाने काली उड़द के, छोटा सा तांबे का टुकड़ा, थोड़ा सा गुड़, कांच की शीशी में दूध, नीला या पर्पल कलर का फूल, इसकी पोटली बांध के आपने गाड़ देना है। अब आप बोलोगे कब? मंगलवार को। कितने बजे? सूर्य उदय से सूर्य अस्त के बीच बीच में। अगर चलो नहीं भी हो पाया, वर्किंग हो कुछ हो, कोई बात नहीं, सूर्यास्त के बाद कर लो, करो तो सही। हर अगर मंगल बद है पत्री में, है ना, ये सारे सिम्टम अगर आ रहे हैं। एक और चीज बताती हूँ, जैसे घर के दो भाई हैं, एक अगर बेहतरीन वैसे काम कर रहा है तो दूसरा का काम नहीं चलेगा। घर के जो एनिमल्स है जैसे डॉगी है चाहे कुछ है, घर के बड़ों को टक्कर मार के जाएंगे और उनको चोट लगेगी, बीमारियां पीछे नहीं छोड़ेंगी, एक के बाद एक बीमारी पीछा 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 कर करके कहते हैं ना तहस नहस करेगी, सारे पैसों को फूंक डालेगी, सीधी बात है, है ना। तो क्या करेंगे? चांदी धारण करो, सब घर के मेंबर के बदन पे चांदी पहन लेनी चाहिए, गले में चांदी पहन लो, ब्रेसलेट पहन लो, कोई ऐसी दिक्कत वाली बात नहीं, घर पे चांदी पहना दो। और जैसे जब हम वो कहते हैं ना मंगल का हम लोग उपाय कर रहे हैं, तो मिट्टी की कुल्हड़ में शहद भर के लाल कपड़े से ढककर मंगल को घर पे भी स्थापित कर दो। किधर करोगे? साउथ ईस्ट में कर दो। अब बोलोगे चींटी आएंगी, वो आपको देखना है, पन्नी में कर दो, कुछ तो प्रोटेक्ट करके करो, घर पे मंगल को स्थापित भी कर दो। मंगल को हम लोग बाहर भी निकाल रहे, जो उसका बद नेचर है, जो नुकसान पहुंचा रहा है, उसको हम बाहर कर रहे हैं। ये चीजें समझ लोगे, टाइम से समझ लोगे, सिम्टम को पकड़ के इलाज कर लोगे, ठीक है, नहीं करते रहोगे भटकते रहो, कईयों को भटकने की आदत है। जो मेन क्रक्स है मैं आपको बोलूं, है ना, कायदे की चीज बताऊं तो आपका भी अच्छा मेरा भी अच्छा। मेरा अच्छा क्यों? क्योंकि आज जब फोन करते हैं कि हमें पक्का विश्वास है, कहते हैं ना अब टेंशन फ्री होकर, कहते हम एक से बात हुई, कहते हम टेंशन फ्री होके आते हैं, नहीं तो कहीं पर भी जाते थे सारा सोना वोना उतार के जाते थे कि पता नहीं कौन से लाखों की हजारों की चीजें हमें थमा देगा, हमारा तो ऐसी तैसी हो जाएगी, सीधी बात है। ठीक है पाशा लोगों, आज के लिए इतना ही। मैग्निफाइड हीलिंग की जो क्लास है 4th week of April है, कुछ सीट्स बची है, इट इज ब्यूटिफुल। अपने मस्तिष्क को हील करो, अपने DNA को हील करो, अपने पास्ट लाइफ को हील करो, अपने पास्ट रिलेशन, कहते हैं ना जब पास्ट लाइफ का कुछ रिलेशन है अगर वो कर्मा कट नहीं होता वो इस लाइफ में रिपीट होता है, मुझसे अच्छा कौन जानता है, करके देखो। अच्छा चलो कल एक कमेंट दिखाऊंगी आपको, कल एक क्या हजारों है मेरे पास, कल दिखाऊंगी आपको, मजा आ जाएगा। ठीक है चलो, चैनल को सब्सक्राइब करो, मेरा दिल अपने दिल से जोड़ दो, वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, इसलिए करो सबकी जिंदगी ठा हो जाए। ओके देन, बाय बाय, नमस्कार।